एक्चुअली मैं तो शूटिंग कर रही हूँ एक्चुअली मैं तो शूटिंग ही कर रही हूँ. सो आई एम वर्किंग ऑल द टाइम एंड आई एम फीलिंग गुड दैट आप लोग मेरे सेट पे आए हो एंड वी आर हैप्पी टू चैट विथ यू. और बात करें अगर बेजुबान इश्क की, इश्क तो कई तरह का सुना है, जैसे कि प्यार अंधा होता है, तो ये किस तरह का इश्क होगा और क्या कुछ होगा फिल्म में? बेजुबा इश्क एक कहानी, एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी की है. और वो गंगानी जी, जसवंत गंगानी जी जिन्होंने लिखी है और डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है. तो या इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी विद लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. बहुत सारे अलग अलग किरदार, उनके अलग अलग तरीके प्यार करने के. सो इट्स अ नाइस मिक्स ऑफ ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल टुगेदर. आपकी बात करें तो आपका किस तरह का किरदार होगा फिल्म? मेरी बात करें तो मेरा किरदार है सुहानी का. और सुहानी बहुत ही लाइवली, बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही बबली सी मॉडर्न गर्ल है, टुडेज़ गर्ल. बहुत ही रईस ख़ानदान की लड़की है, तो उसको कभी ना सुनती नहीं है. एंड शी इज़ लविंग ऑल्सो. एंड हाउ शी फॉल्स इन लव एंड हाउ शी इज़ गेटिंग मैरिड एंड हाउ थिंग्स टर्न आउट एंड हाउ इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी टर्न्स आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो दैट्स वॉट बेज़ुबान इश्क इज़. आपके रियल लाइफ की बात करें तो कितना मिलता जुलता कैरेक्टर है इस फिल्म का? रियल लाइफ और इसमें बहुत ही अलग हूँ, बट एक बबली सा और चेयरफुल मैं रियल लाइफ में हूँ, यहाँ पे भी हूँ. सो ये थोड़ा सा मिलता जुलता है. और आगे मतलब क्या अभी जो सीन का शूटिंग हो रहा है, कौन सा सीन है और क्या क्या कुछ है? देखिए अभी ये बीच वाला सीन है, इंटरवल के बाद वाला सीन है. बहुत ही सारे किरदार साथ में आ गए हैं. वी हैव वेरी सीनियर एक्टर्स इन द फिल्म, सो इट्स एवरी वन इज़ टुगेदर. एंड इस बंगले में पहले दिन का शूट है और 12 दिन शूट चलेगा. सो नाउ वी आर गोन बी पार्क्ड हियर फॉर 12 डेज. सो इट्स नाइस दैट ऑल द वेटरन एक्टर्स एंड वी ऑल आर गोन डू अ नाइस सीन टुगेदर. इट्स अ फैमिली ड्रामा आफ्टर रियली लॉन्ग आई एम डूइंग इट. फिल्म में जो है स्नेहा उल्लाल भी है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? स्नेहा इज़ अ लवली गर्ल एंड बहुत ही फ्रेंडली और दिलचस्प लड़की है. और शी एंड आई गॉट अलॉन्ग रियली वेल इन जयपुर. दो वी डिडंट नो ईच अदर वेरी वेल, बट हमारे इंडस्ट्री में हम एक दूसरे को अपने काम से जानते हैं. सो या वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ एंड वी आर हैविंग गुड फन. और जाते आते जो है काफ़ी में मतलब काफ़ी गर्मी में शूटिंग कर रहे हो आप, कितना मुश्किल होता है गर्मी में शूटिंग करना? आपने देखा ही रहेगा, आई एम पुटिंग यूजिंग पफ ऑल द टाइम, वी आर स्वेटिंग ऑल द टाइम. लेकिन क्या करें, गर्मी में शूट और काम तो करना ही, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो. सो बेजुबान के अलावा और कौन सी फिल्में कर रही हैं आप? देयर आर फ्यू अदर फिल्म्स इन द पाइपलाइन, यू विल गेट टू नो सून. थैंक यू. बेजुबान इश्क नाम की ये फिल्म है और मैं इसमें रश्मिकांत का किरदार कर रहा हूँ, जो हीरोइन का फादर है. ये फिल्म हमारे एक बहुत ही दिग्गज, जिन्होंने अभी तक रीजनल गुजराती फिल्मों में बहुत ही शोहरत प्राप्त की है, वैसे हमारे जसू भाई गांगाणी डायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी ये पहली निर्देशित की गई हिंदी फिल्म पहली होगी. तो उस हिसाब से मैंने खैर उनके साथ तो कोई गुजराती फिल्म आज तक की नहीं, हालांकि मैं भी एक गुजराती हूँ. लेकिन जब ये फिल्म की बात आई और वो मेरे पास आए, तो मैंने ये सोचा कि बिकॉज़ मैं जानता हूँ उनके काम के बारे में और मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, तो मैंने तय किया कि हाँ मैं ये फिल्म करूँगा. हिंदी सिनेमा की बात करें, हिंदी सिनेमा आजकल काफ़ी आगे बढ़ गया, लेकिन नेशनल फिल्मों की बात करें तो कहीं ना कहीं पीछे रह गया. तो क्या कहेंगे अगर आपको फ्यूचर में अगर मौका मिले नेशनल फिल्मों में काम करने का? तो नहीं, देखिए क्या है कि भाषा चाहे कोई भी हो, अगर वो फिल्म अच्छी है, उसमें मेरा रोल, मेरा किरदार अच्छा है और एक एक्टर बतौर एक एक्टर मुझे अगर ये अच्छा लगता है, चैलेंजिंग लगता है, तो मैं वो ज़रूर करूँगा. मैंने अंग्रेज़ी फिल्में भी की है. अभी अभी मेरी एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज़ हुई, मिलियन डॉलर आर्म, तो वो भी की है मैंने. एक लास्ट ईयर ही दिसंबर में एक गुजराती फिल्म की, बेयार. और दो साल पहले मैंने स्वराज्य नाम की एक मराठी फिल्म भी की थी. हिंदी फिल्म्स तो मैं करता ही हूँ. तो मैं ये नहीं मानता कि भाषा बदलने से कहानियाँ या जो इंसानियत है वो बदल जाती है.
तो मैं कोई भी भाषा हो उस फिल्म में मैं काम करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूँ। ये बेजुबान इश्क ये फिल्म का नाम है और रश्मिकांत का किरदार मतलब वो बहुत ही इज़ अ वेरी लविंग फादर और अपनी बेटी को हर खुशी उसके हर सपने को पूरा करने की उसे ख्वाहिश रहती है, ताकत भी है और सब कुछ होते हुए भी जब ये फिल्म की स्टोरी में जो कन्फ्लिक्ट है वो एक लव स्टोरी है तो सब कुछ होते हुए भी जब हीरोइन जो है जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है उसके जीवन में किसकी कमी पड़ती है क्योंकि इश्क के सामने सबको अपना माथा टेकना पड़ता है, अपने दिल के सामने दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, तो ऐसी ही कुछ कहानी है उसकी। देखिए हर एक जो आदमी प्यार में होता है उसे लगता है कि उसकी अपनी लव स्टोरी बहुत ही अलग है, तो उस हिसाब से ये प्यार की जब बात करें तो इससे वो तो एक यूनिवर्सल भावना है, यूनिवर्सल फीलिंग है, इमोशन है, लेकिन फिर भी हाँ ये बहुत ही हार्ट टचिंग बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा ये मेरा पहला दिन है, मैंने अभी तक उनके साथ काम नहीं किया है लेकिन उनके बारे में ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, उनकी फिल्मों के बारे में जानता हूँ और आई एम वेरी श्योर कि वो अच्छा अनुभव रहेगा। वेल मैं ये दो हिंदी फिल्में कर रहा हूँ अभी जिसकी शूटिंग जारी है और एक हॉलीवुड की एक टीवी सीरीज़ है जो मैं करने जा रहा हूँ और अभी एक मतलब मैं इंग्लिश फिल्मों में भी अभी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। वेरी मैच्योर होपफुली स्नेहा उलाल साउथ में जाके काफ़ी ट्रेनिंग अच्छा हुआ है मेरा, मैंने 9 फिल्म्स किया है तेलुगु में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी थोड़ी थोड़ी एक्ट्रेस की तरह मैं पहुंच रही हूँ क्योंकि जब लकी किया था तब मैं 15 साल की थी, काफ़ी छोटी थी सो इतना नॉलेज नहीं था एक्टिंग के बारे में, सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी हूँ और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स कर पाऊँगी। अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, जैसे मैंने कहा मैं बहुत छोटी थी पहले तो जब मैंने हिंदी छोड़ा था तब वो टाइम प्लान नहीं था कि मैं वो टाइम साउथ जाऊंगी, वो टाइम मुझे सिर्फ अपने पढ़ाई कंप्लीट करनी थी तो वो करने के बाद फिर मैं साउथ गई सलमान के कहने पे और एक्चुअली मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं वहाँ पे गई क्योंकि साउथ ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, एक प्रोफेशनल एक्टर बना दिया है। सो प्रॉब्लम कभी मतलब वो प्लान कभी नहीं थी कि मैं लकी के बाद एक कंटिन्यू करूँ, जो एक दो फिल्म किए थे बस वो आ गए थे तो कर लिए, पर स्टडीज कंप्लीट करना मेरा नंबर वन प्रायोरिटी था वो टाइम पे। बेजुबान इश्क एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी है, ये फिल्म में ट्राइंगल है, एक नया लड़का है निशांत और मुक्ता बोध से है जो मेरी कज़न सिस्टर बनेगी फिल्म में और एक्चुअल में भी हम लोग काफ़ी क्लोज है एंड वो एक्चुअली सरप्राइजिंग ही बात थी कि दो हीरोइन टाइम पास कर रहे थे साथ में पर बहुत ही स्वीट है। स्क्रिप्ट एक वेरी सेंटिमेंटल स्टोरी है, क्लाइमैक्स में आपको रुला देगी एंड जो इमोशनल पार्ट है वो मेरा कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व होता है, सो आई थिंक बॉलीवुड के लिए मैं फर्स्ट टाइम मैं स्क्रीन पे रोने वाली हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे रोना धोना सीन्स पसंद है, करना देखना नहीं तो आज भी शायद एक है रोने का सीन तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सेट पे कैसा लगा, कैसा
पे भी हमने देखा कि आपकी और मुग्धा की दोस्ती काफी अच्छी है, तो मतलब सीन में भी वो कुछ आपको हेल्प करती है, जैसे कि काफी एक्सपीरियंस? एब्सोल्युटली, वो इनफैक्ट वो मुझे बहुत अच्छा टिप उसने दिया है कि जब सॉन्ग्स है थोड़ा सा ओवर एक्टिंग अब करेंगे तो मोंटाज सॉन्ग्स में अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट जब मेरा ऐसा चांस मिलेगा मैं वो टिप एडवाइस ज़रूर ट्राई करूँगी।